मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे 1 लाख लगाना सीएनजी में वर्थ इट था। एंड देन उसके बाद जब मैंने दोबारा इस कार को देखा तो मुझे ऑल्टो से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये कार लगी उससे कोई कार, बिकॉज तो आप इस कार को ऑप्ट कर सकते हो, काफी अच्छी कार है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस सिलेरियो का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस कार को क्यों कंसिडर किया और इसको लेने के पीछे क्या रीजंस थे मेरे। जैसे मैंने आपको बताया था ये कार हमारी सेकेंडरी कार है और इसको मेन लेने का रीजन जो था वो था कि हमें सिटी यूज के लिए कार चाहिए थी, तो इसीलिए हमने इस कार को लिया कि हमें जो बेसिकली, और इसकी रनिंग भी जो है वो सिर्फ सिटी में ही ये रन करती है, बिकॉज इसको हम लोग हाईवे में नहीं ले आते और हाईवे में हम प्रेफर नहीं करते इस कार को ले जाना, तो हम जो इसको यूज करते हैं हम इसको सिटी में ही यूज करते हैं। तो इसको लेने के पीछे हमारे क्या रीजन थे मैं आपसे आज शेयर करूंगा। ओके गाइस, लास्ट वीडियो में हमारी कार के लुक्स को लेके बात हो गई थी। कार के लुक्स लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, कई लोगों को इस कार के लुक्स पसंद आते हैं, कई लोगों को इस कार के लुक्स पसंद नहीं आते। लुक्स मेरे लिए कार के लिए इतना मैटर नहीं था, बिकॉज हमारे को जिस यूज के लिए था, हमारा सेकेंडरी कार था ये, और जो हमारा मेन रीजन था कार लेने का वो लुक्स नहीं था, हमें कुछ और चाहिए था कार से, तो और लुक्स इसीलिए इतने मैटर नहीं कर रहे थे हमारे लिए। अब बात करें कि मैंने यही कार क्यों सिलेक्ट करी, बिकॉज इस जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये कार पड़ी कितने की थी। तो ये VXI मॉडल है और जिस समय मैंने ये कार परचेस करी मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये कार 520 की अराउंड पड़ी थी मुझे ये कार। तो इसका इस रेंज में, तो जो पहले हमने देखा था वो हमने देखी थी आपकी ऑल्टो, एंड देन उसके बाद जब मैंने दोबारा इस कार को देखा तो मुझे ऑल्टो से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये कार लगी, बिकॉज उसके रीजंस थे गाइस। उसके रीजन ये थे कि ऑल्टो को अगर आप देखोगे में भी आपको सेम 1000cc का इंजन मिल रहा था मुझे, उसमें ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी के साथ नया इंजन इंट्रोड्यूस किया था और मारुति ने, बट ऑल्टो को ना लेने के पीछे मेरा रीजन था बिकॉज उसमें मुझे समाव ऐसा फील होता था कि उसमें थोड़ा स्पेशियस नहीं थी गाड़ी, कम रेंज में उसी वो कॉस्ट कर रही थी। ओके हाँ, पहले मैं आपको बताऊं कि वो मुझे कितना कॉस्ट कर रही थी। मैंने ऑल्टो डी का मैंने ऑटोमेटिक वेरिएंट देखा था एंड वो ऑटोमेटिक वेरिएंट मुझे 5,30,000 का कॉस्ट कर रहा था, और अगर मैं बात करूं 5,30,000 देने के बाद मुझे क्या फीचर्स मिल रहे थे कार में, उस कार में मुझे कोई भी फीचर्स नहीं मिल रहे थे। इवन उसमें पावर विंडोज भी नहीं थे, आपके फ्रंट में पावर विंडोज थे और बैक में आपको मैनुअल ही था, और इसके अलावा मुझे उस कार में स्पेस भी कम लग रहा था। एंड जब मैंने ये कार देखी तो ऑल्टो से ज्यादा स्पेशियस कार ये थी, ये है, इसमें स्पेस से ज्यादा है, इसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिल रहे थे मुझे। इसके अलावा तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रीजन क्या था इस सेकेंडरी कार लेने का। हमारा जो रीजन था, हमारी इस कार की रनिंग ज्यादा है, तो हमारे को एक ऐसी कार चाहिए थी जो हमें एक अच्छी एवरेज प्रोवाइड करे, और बेसिकली एवरेज ही थी हमारा मेन कंसर्न, और हम ऐसी ही गाड़ी ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हमारे को एवरेज मिले, बिकॉज कार ने सिर्फ सिटी में ही चलना था, कार ने ऐसा कहीं जगह चलना नहीं था। तो मेन हमारा जो था वो इस कार को लेने का मेन जो रीजन था वो माइलेज ही था, कि हमें एक माइलेज ओरिएंटेड कार चाहिए थी, इसीलिए हम मारुति की तरफ गए। अदरवाइज यू ऑल नो यार कि मारुति की सेफ्टी रेटिंग्स क्या है और मारुति कितना सेफेस्ट कार बना रही है आज के टाइम पे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो हमें जो मेन कंसर्न था हमारा माइलेज था, और माइलेज ही हम देख रहे थे कार में, इसीलिए हमने ये कार ऑप्ट करी। तो गाइस काफी लोग बोलेंगे कि आप सिलेरियो के बदले वैगन आर को भी कंसिडर कर सकते थे, तो यस यू आर राइट गाइस, वैगन आर को भी मैं कंसिडर कर सकता था। एक्चुअली द रीजन इज मैं ऑलरेडी वैगन आर पहले मैं यूज कर रहा था, और वैगन आर को एक्सचेंज करके ही मैंने ये कार ली है, तो मैं दोबारा से नहीं चाह रहा था सेम कार यूज करना, तो मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई सोच रहा था कि कुछ डिफरेंट कार ले इस बार, तो इसीलिए हम वैगन आर की तरफ नहीं गए। अदरवाइज हम वैगन आर एक अच्छा ऑप्शन हो है इस रेंज में, अगर आप देख रहे हो कार्स तो। और इसका CNG वेरिएंट मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसके CNG वेरिएंट और इसमें अराउंड 1 लाख रुपीस का डिफरेंस था। तो और अगर मैं बात करूं यार, वो 1 लाख जिस हिसाब से अब CNG के रेट चल रहे हैं ऑलमोस्ट पेट्रोल के सिमिलर आ रहा है CNG, और अगर कंपेयर करूं यार मैं इसकी पेट्रोल की माइलेज जो मुझे दे रही है तो मुझे कहीं से भी अब इतना फील नहीं हो रहा कि यार मुझे सीएनजी पे जाना चाहिए था, बिकॉज ये मुझे पेट्रोल में ही कुछ काफी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है, वो भी सिटी में। और जिस कंडीशन से मैं जिस रफली इसको ड्राइव करते हैं उसके बावजूद ये हमें बहुत अच्छा माइलेज दे रही है पेट्रोल में। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पे 1 लाख लगाना सीएनजी में वर्थ इट था। मेरे को अभी भी मैं इसके माइलेज से सेटिस्फाई हूँ जो ये मुझे सिटी में प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं से भी हमें फील नहीं हो रहा कि हमें सीएनजी की तरफ जाना चाहिए था। और अगर आप इतना, मैं बता रहा हूँ जितनी हमारी रनिंग्स है, हमारी डेली रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके बावजूद ये हमारे को एक वैल्यू फॉर मनी कार है यार। अगर आप देख रहे हो माइलेज प्रोस्पेक्टिव से कोई कार, तो आप इस कार को ऑप्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कार है ये। एंड मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने इसका सीएनजी मॉडल क्यों नहीं ऑप्ट किया, बिकॉज मैं पेट्रोल की माइलेज से भी सेटिस्फाई हूँ इसकी। और जिस हिसाब से सीएनजी और पेट्रोल के रेट आजकल चल रहे हैं, उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके सीएनजी की तरफ जाना चाहिए था। तो मैं इसके पेट्रोल वेरिएंट से भी खुश हूँ और जो माइलेज ये मुझे प्रोवाइड कर रही है उससे आई एम सुपर हैप्पी। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट इस कार से। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूं कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।